नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के 65 वर्षीय डी सिवन की कहानी इंटरनेट पर छा गई है। उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। आखिर इस पोस्टमैन में ऐसा क्या खास है जो आम से लेकर खास तक सब इनकी तारीफ कर रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं। डी सिवन ने अपने करीब 30 साल के करियर में उन दुर्गम इलाकों में चिट्ठियाँ पहुँचाई हैं जहाँ जाने के लिए जान हथेली पर रखनी पड़ती थी। महीने के 12,000 रुपये कमाने वाले सिवन लोगों तक पत्र पहुंचाने के लिए रोज़ाना करीब 15 किलोमीटर पहाड़ी और जंगली रास्ता तय करते थे। इस दौरान उनका सामना जंगली जानवरों से भी हुआ, लेकिन मुश्किल रास्तों और ख़तरनाक जानवर भी उनके जज्बे को कमज़ोर नहीं कर सके। तमिलनाडु के पोस्टमैन डी सिवन पिछले हफ्ते रिटायर हो गए हैं। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, पोस्टमैन डी सिवन हर रोज 15 किलोमीटर चलकर कुन्नूर के घने जंगलों में हाथी भालू का सामना करते हुए लोगों तक डाक पहुंचाते रहे। वो इस दौरान झरने और सुरंग भी पार करते रहे। उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरे 30 साल पूरी निष्ठा से निभाई। बीते सप्ताह वो रिटायर हुए हैं। इसके बाद लोग डी सिवन की तारीफ करने लगे। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।